हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप लोगों का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर आने के लिए। आज आपके लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और आपसे हम बताना चाहेंगे सबसे पहले कि ये हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ये लेक्चर नंबर 22 यानी कि अभी तक मैंने 21 लेक्चर आपको बता दिया है और इसके पहले का जो प्रीवियस लेक्चर था वो गॉस थ्योरम पे था। गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो अगर आप क्या करते हैं उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज से हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, आज से आपको बताने जा रहे हैं कि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन यानी कि गॉस थ्योरम जो मैंने पढ़ाया था उसका यूज कहाँ है। तो अगर आपको गॉस थ्योरम का यूज अच्छे से समझना है, बच्चों, तो प्लीज क्या करिए, आप गॉस थ्योरम वाले वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के पीछे का एक रीजन ये है कि आपको इस चैनल पर लगातार वीडियो मिलता रहेगा और दिसंबर तक मैं क्या करूंगा, आपके सिलेबस का पूरा फिनिश कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट अ क्लास। और आज के इस लेक्चर में मैं बात करना बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ये पहला एप्लीकेशन है, मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन है। और पहले एप्लीकेशन में आपको क्या निकालना है, पहले एप्लीकेशन में यह है कि आपके पास एक इनफिनिटली चार्ज वायर है, आपके पास एक लंबा सा वायर है इनफिनिटली। बच्चों मैं बता रहा हूं ये डिफरेंट फाइनाइट लेंथ का नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए इसको पहले। ये आपका क्या एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, सॉरी इनफिनिट लेंथ का वायर है। और ये जो इनफिनिट लेंथ का वायर है ये पॉजिटिवली चार्ज है। आप पॉजिटिव भी कर सकते हो, निगेटिव भी कर सकते हो, कुछ भी करिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आपके पास एक क्या है इनफिनिटली चार्ज वायर है और इस चार्ज वायर की वजह से किसी भी डिस्टेंस पर, चार्ज वायर्स के किसी भी पॉइंट से आर डिस्टेंस पर, एक पॉइंट क्या सपोज करना है पी, और इसी पॉइंट पी पे क्या सपोज करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं फिर से समझा रहा हूं हेडिंग का मतलब, आपके पास एक इनफिनिटली चार्ज वायर है, इनफिनिटली चार्ज वायर है और इस इनफिनिटली चार्ज वायर की वजह से बगल में कोई पॉइंट पी होगा और उस पॉइंट पी पे क्या निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये पॉइंट पी मैंने दिखा दिया और इस पॉइंट पी पे क्या निकालना है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप यहां पे क्या करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चार्ज वायर के अराउंड में, चार्ज वायर के चारों तरफ, चार्ज वायर के चारों तरफ स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस हम ड्रा कर दिए, और कैसा है गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल है। कैसा गॉसियन सरफेस है स्टूडेंट, सिलेंड्रिकल। तो मैं आप लिख रहा हूं कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर, और स्टूडेंट इसके अगर मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ की, तो इसका लेंथ एल सपोज कर लो, ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड लेंथ एल। तो जो हमारे गॉसियन सरफेस, देखो ध्यान से, बहुत समझिए ध्यान से अच्छे से, ये वायर था हमारा और इस वायर के किसी भी पॉइंट से आर डिस्टेंस पे क्या निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ऐसे वायर था यहां से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर यहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट से ऐसे चारों तरफ आर रेडियस का क्या निकालना है आपको, एक गॉसियन सरफेस खींचना है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए एल। आप कुछ भी कर दो बट मैं यहां पर कितना सपोज किया हूं एल सपोज किया हूं। तो बच्चों क्या करना होता है कि अगर आपको मैं बताया हूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दो, क्योंकि यहां से प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड सब क्या हो रही होंगी बाहर जा रही होंगी। आपने यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस ड्रा किया है सिलेंडर का, यहां से प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है सब बाहर निकल रही है, आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे, आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे। तो आप कुछ ना कुछ टेक्निक लगाओगे, तो वही चीज निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, टेक्निक लगाएंगे गॉस थ्योरम का ही, ठीक है। तो आपको हम समझा रहे हैं कैसे आएगा। तो इतनी बात समझ में आया होगा कि आपके पास एक वायर था, आपके पास क्या एक वायर है, इतनी बात समझ में आया, एक आपके पास वायर है और वायर क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है पी है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहां पे क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि पी से होकर जाने वाला और चार्ज वायर के अराउंड में चारों तरफ आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर देंगे जिसकी लेंथ कितनी होती है एल होती है। तो अब मैं कर रहा हूं कि आप यहां पे क्या करो, थोड़ा सा एरिया मानो, आप यहां पे क्या करो थोड़ा सा एरिया ले लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर से निकलेगा, उधर से और बगल वाले से, यानी कि इससे, इससे और इस चारों तरफ से। तो यहां से मैं थोड़ा सा निकाला
और थोड़ा सा आवाज आता है तो उसको क्या कर दो, क्लोज इंटीग्रल कर दो तो पूरा मिल जाएगा। तो यहां पे देखो और यहां पे, और यहां पे ले लो थोड़ा सा, तो मैं डीए यहां पे ले रहा हूं, डीए यहां पे ले लिया और डीए। अच्छा देखो यहां पे जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, प्लस की वजह से इस तरफ। यहां पे भी एरिया कहां, इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो गया इस तरफ। यहां पे भी एरिया बाहर डीए, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय, इनक्लोज्ड बाय स्मॉल डीए, स्मॉल एरिया। तो आप यहां पे क्या बोलेंगे, सर डी फाई ए इक्वल टू, एक बार यहां पे लिख दो एडीए कॉस थीटा, वहां पे एंगल कितना बन रहा है 90, प्लस यहां पे कितना बन रहा है 90, एडीए कॉस 90, यहां पे जीरो, एडीए कॉस जीरो, ये जीरो, ये जीरो खत्म हो गया। तो कितना आ गया डी फाई ई इक्वल टू ए इंटू डीए। तो पूरा चाहिए तो क्या कर दो, इसको क्लोज कर दो, ये फाई आ गया। अब टोटल एरिया कितना होता है बच्चों, यहां पे सिलेंडर का बताओ, इससे तो जीरो हो गया, ये वाला एरिया कितना होगा, टू पाई आर एल, टू पाई आर एल। तो फाई का क्या होता है, क्यू अपॉन एफ एल एन नॉट इजिकल टू ई टू पाई आर एल। तो इस तरह मैं आपको चीज बता रहा हूं, उसके बाद में लेक्चर में आपको बता दूंगा, ठीक है, आपको उसके बाद बताऊंगा अगले लेक्चर में। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, होता है बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका सिंबल होता है लेमडा, और लेमडा कल्ट होता है क्यू अपॉन एल। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होता है उसे कम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और यहां पे क्यू, तो यहां पे लेमडा कल्ट क्यू अपॉन एल, यहां से क्यू कल्ट क्या हो जाएगा लेमडा एल, तो लेमडा एल अपॉन एफ एल एन जीरो इक्वल टू ई टू पाई आर एल। एल एल क्या हो गया फिनिश, यहां पे इक्वल टू आ गया वन अपॉन टू पाई एफ एल एन नॉट इंटू लेमडा अपॉन आर। तो ये है फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला कर लो, कि अगर आपके पास एक इन्फाइनिटली चार्ज स्टेट, हाँ चार्ज वायर है इन्फाइनिटली, एक आपके पास लंबा सा, बहुत लंबा सा इन्फाइनिटली लॉन्ग वायर है, उसकी वजह से बगल में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, उसका फॉर्मूला है 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इनटू लैम्डा अपॉन आर। तो यहां से पता चल रहा है कि यहां पे कि ए प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर। तो अगर इसके बीच हम ग्राफ ड्रा करना चाहेंगे आर वर्सेस ई के बीच, तो आर बढ़ेगा तो ई क्या होगा घटेगा, आर बढ़ेगा तो ई क्या हो जाएगा घटेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा, सबसे पहले क्या करना था, आपके पास एक वायर था और वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी था जहां पे क्या निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक गॉसियन सरफेस सपोज कर लिया, तो कुछ फ्लक्स यहां से निकलेगा, कुछ फ्लक्स यहां पे, कुछ यहां पे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा निकाला, फिर इसको उसका क्लोज कर दूंगा। तो यहां पे एरिया ऊपर जा रहा है, आपको पता है ना, ऊपर से देखेंगे तो ऊपर एरिया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहां पे क्या दोनों एक ही तरफ है। देखो थोड़ा सा निकला यहां पे, इसके बाद ये आ गया 90 90, जीरो खत्म हो गया, ये हो गया पूरा, ठीक है। टोटल एरिया क्या हो गया टू पाई आर एल। तो फाइव कर्ड क्यू अपॉन एफ एल एन जीरो किसके रूल से होता है, ये गॉस थ्योरम, देखो ये हो जाएगा नहीं, गॉस थ्योरम का यहाँ पे गॉस थ्योरम का यूज आ गया। तो हमने कहा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कर्ड क्यू अपॉन एल होता है, तो क्यू कर्ड क्या हो जाएगा लैम्डा एल, ठीक है, क्यू कर्ड टू लैम्डा एल। भाई कुछ और कार्टून में समझ लेना, ओके, ये कर्ड कितना के ऊपर कलना लैम्डा अपॉन आर, सो ई प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर। अब आपको बात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट, यानी कि आपके पास एक चार्ज स्टेट है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसका फॉर्मूला देखते हैं, ओके, सो नोट डाउन इट।
ओके स्टूडेंट, ये है हमारा नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट चार्ज स्टेट। यानी कि अब की बार आपके पास एक चार्ज स्टेट है, बहुत ध्यान समझेगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसका भी होता है। आपके पास मैंने कहा इस एक चार्ज स्टेट है, इस तरीके से समझ सकते हैं। और उस चार्ज स्टेट जो है, आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज है ना, फिगर में दिख रहा है कि एक चार्ज स्टेट है, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। आर गेटिंग माय पॉइंट, एक चार्ज स्टेट है इस तरीके से, और यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या हो गया, पी हो गया, और इस पॉइंट पी पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहां पे ये चार्ज स्टेट है। अच्छा सर, एक मैं बात बता देता हूं, देखो वहां पे वायर था, तो वायर के पास लेंथ था, तो लेंथ क्या था, यहां पे क्या आया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। वायर के पास सिर्फ लेंथ था ना, एरिया तो था नहीं, तो क्या आया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा ये प्लेट है, तो प्लेट के पास क्या एरिया, यहां पर क्या आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका सिंबल होता है सिग्मा, और सिग्मा का टू होता है क्यू अपॉन, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालूंगा, क्यू की वैल्यू स्टूडेंट, क्यू कट हो जाएगा सिग्मा ए, क्यू कट क्या हो जाएगा सिग्मा ए। इतनी बात समझ में आया, हाँ। चलो देखो वही प्रोसेस यहां पे भी है, आपके पास एक क्या है, चार्ज सेट है। आपके पास मान लीजिए इस तरीके से, आपके पास मान लीजिए आपके पास एक क्या है, चार्ज सेट है, और यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, पी है, यहां पर क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या कर दो, इसके आर पर, इस चार्ज सेट के आर पर एक गॉसियन सरफेस सपोज करो, सिलेंड्रिकल। देखो मैंने सपोज कर लिया, ये हमारे से चार्ज सेट था, इसके आर पर क्या सपोज किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी एक गॉसियन सरफेस सपोज कर लिया। ये चार्ज सेट है, इसके आर पर कुछ इस तरीके से देख रहे हैं ना, इस पार भी जाएगा। तो अच्छा आप देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे किससे निकलेगा, आप यहां पर भी एरिया ले सकते हैं, यहां पर भी ले सकते हैं, और यहां पर भी ले सकते हैं। तो मैं यहां पर भी थोड़ा सा एरिया ले रहा हूं, इसका डीएथ इधर हो गया, यहां पे भी एरिया ले लो, डीए यहां पर भी कर दिया। अच्छा ये देखो, ऐसे मैंने लिया, ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से यहां पे जो इंटेंसिटी होगा बाहर की तरफ होगा, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां है, बाहर है। यहां पे ले लो, तो ऐसे था, ऐसे होगा गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, बाहर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा। लेकिन अब यहां पे आओ थोड़ा सा देखो, यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे था चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस तरफ, या तो फिर इस तरफ होगा। इसके लिए इस सरफेस पे कहीं पर भी आप आएंगे, यहां पे एरिया नीचे तो आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है। तो यहां पर कंडीशन क्या बन रहा है, यहां पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री, यहां पर क्या बन रहा है, एंगल 90 डिग्री। तो आपको पता चल गया कि जब यहां पे एंगल, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इस तरफ, एरिया कहां हो गया, इस तरफ, तो एंगल कितना बना उनके बीच का 90। तो जब एंगल 90 बन गया, इसका मतलब इस सरफेस से कोई भी फ्लक्स गुजरने वाला नहीं है, जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा वो किससे निकलेगा, इससे और इससे। तो क्यों वहां से नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां पर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, यहां पर कितना डिग्री, 90। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ स्मॉल एरिया, वही प्रोसेस डी फाई ई, यहां पर ईडीए कॉस 0 प्लस वहां पर भी कॉस 0 1 हो गया, ठीक है। डी फाई इक्वल टू टी हो जाएगा 2 ईडीए, क्लोज कर दूं, ये हो गया आपका फाइव ए टू ए। ये मान लो कि एरिया कितना था यहां पे, ए एरिया कितना रहा होगा ए, और फाइव कर दूं क्या होता है गॉस थ्योरम से, क्यू अपन एफ एन 0 2 ए। अब यहां से क्यू कर दूं कितना आया है, सिग्मा ए पुट कर दो यहां पे, ए क्या हो गया फिनिश। अब आपका आ गया इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो मुझे लगता समझ में आया होगा, आपके पास एक चार्ज सेट था,
दोनों तरफ क्या कर दिया, गॉसियन सरफेस सपोज कर लिया, यहां से एरिया मान लिया, यहां पे एरिया मान लिया, फिर इसके बाद क्या कर दिया, ऐसे फॉर्मूला लगा करके क्लोज कर दिया, आपका आ गया 1/2 σ/2ε/9। तो अच्छे मैं आप बताऊं आपको दो चीज के बारे में, इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो प्लेट होता है, एक होता है नॉन कंडक्टर प्लेट, एक होता है कंडक्टर प्लेट, बहुत इंपॉर्टेंट आप रख लीजिए। एक होता है नॉन कंडक्टर प्लेट, एक क्या होता है कंडक्टर प्लेट। अगर कोई आपका प्लेट कंडक्टर होता है, सॉरी नॉन कंडक्टर होता है, तो जो चार्ज होता है वो अंदर फैलता है। चार्ज कहां फैलता है? अंदर फैलता है। लेकिन अगर आपका कंडक्टर प्लेट है, वो अगर आपका कंडक्टर प्लेट है बिल्कुल चालक है, तो जो चार्ज होता है वो नीचे नहीं जाता, कहां फैल जाता है? बाहर। इसी से आप सुनो जब बल गरजते हैं, जो चीजें भी पड़ता होगा, तो लोग क्या करते हैं अपने कार के विंडो को क्लोज कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा इवेंट है, क्यों? क्योंकि चार्ज अब चिर्री गिरती है, उसके आउटर सरफेस पर फैल जाती है, अंदर नहीं जा पाती, तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो नॉन कंडक्टर पे चार्ज अंदर होता है, कंडक्टर पे चार्ज कहां होता है? बाहर होता है। तो इसको नोट करिए, फिर कुछ और बातें सीखते हैं। ओके, इसको देखते हैं आप। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर प्लेट। देखो मैं बहुत तीन बता रहा हूं, बहुत इजी वे से आपको 100% समझ में, दो तीन बार जब ट्राई करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में है, आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, या फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना है वहां पे पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर प्लेट, तो देखो ध्यान से, अभी जब ऐसे नॉन कंडक्टर प्लेट था आपका, इस तरीके से जब चार्ज अंदर था, तो फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का आया था E=σ/2ε/0, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस पे निर्भर नहीं करता, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अब की बार आपके पास जो प्लेट है वो कैसा प्लेट है? कंडक्टर प्लेट है। तो देखिए थोड़ा बहुत इस तरीके से, ये आपका प्लेट हो गया कंडक्टर प्लेट, इस पे चार्ज कितना हो गया? प्लस। चार्ज कहां फैलता है? बाहर, आपको इतना पता है। प्लस, ठीक है? और यहां से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पे ले लो। तो अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा बहुत इस तरीके से बना देता हूं। ऐसे सपोज कर लीजिए आप लोग, जब इसको आप ऐसे सपोज कर लेंगे, तो आपको ये थोड़ा ये प्लेट वन टाइप का दिखेगा, इसके पहले की तरह। यहां पे क्या दिखेगा? प्लेट टू की तरह दिखेगा, नहीं दिखेगा? जैसे इसके पहले मैंने बनाया था, एक अंदर चार्ज फैला हुआ था, तो वैसे यहां पे दिख रहा है, एक यहां पे और एक यहां पे। तो अच्छा, प्लस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या हो जाएगा? इसकी तरफ से बाहर E1, इसकी भी तरफ से क्या हो गया? इसकी भी तरफ से बाहर हो गया, ठीक है? तो अब यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जुड़ जाएगा E1 + E2, तो σ/2ε/0 + σ/2ε/0, तो क्या हो जाएगा? खत्म होकर के आएगा 2σ/2ε/0, खत्म हो गया। E=2 कितना हो गया? σ/2ε/0। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत आसान था। एक प्लेट यहां पे सपोज किया, प्लेट यहां पे, तो E1 E2 को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया? बिकॉज एक ही तरफ आ रहा था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के लिए, कि आपके पास मान लीजिए दो प्लेट है ऐसे, ये प्लस 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 प्लस, ये भी प्लस है, एक पॉइंट अंदर ए हो गया और एक पॉइंट बाहर पी हो गया, और एक पॉइंट बाहर यहां पे क्या हो गया? सी हो गया। तो अब पूछ रहा है ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, बी पे बताओ और सी पे बताओ। तो अच्छा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? प्लस, ये वाली प्लेट वन है, ये प्लेट टू है, तो यहां पे अच्छा पहले E1 बताओ कितना हो जाएगा? इसकी वजह से E1 कौन के साथ? σ/2ε/0। और E2 कितना हो जाएगा? σ/2ε/0। तो पॉइंट ए पे E1 कहां हो गया? इस तरफ हो गया। यहां पे क्या हो गया? E2 बाहर हो गया ना, तो इसकी वजह से बाहर हो गया, इसकी वजह से बाहर हो गया। तो अगर फर्स्ट में बात करूं फॉर ए, पॉइंट ए के लिए E बराबर क्या हो गया? खत्म, घटेगा, σ/2ε/0 - σ/2ε/0।
12 फारेनहाइट खत्म हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, जीरो हो गया। अच्छा इसे यहां पे आओ, ये प्लस, प्लस से बाहर हो गया, इसके वजह से प्लस बाहर होगा, तो फार बी, फार बी दोनों देखो एक ही तरफ ऐड हो जाएंगे, तो आएगा टू सिग्मा अपॉन टू एफ एलन नॉट, सिग्मा अपॉन एफ एलन नॉट हो गया। ऐसा सी भी हो जाएगा, ऐसे सी के लिए बिल्कुल सेम फार सी इजिकल टू आएगा सिग्मा अपॉन एफ एलन। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। वैसे भी देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस निकल के प्लस पे नहीं जाएंगी, ये प्लस से हमेशा कहां जाती है, बाहर जाती है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से देख। तो जब अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा ही नहीं रहा है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहां से, पहले सोचो दिमाग से कि जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड गया नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा। तो बच्चों इन द नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यानी कि आपके पास एक चार्ज स्फीयर होगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसके फॉर्मूले के बारे में हम बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ओके थैंक यू।